हफ्ते के रोज आम तातील नहीं होगी। पोलिंग के दिन काम करने वाला अमला हफ्ते को मामूल के मुताबिक फराज सर अंजाम देगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अपने हवाले से फेक ट्वीट की तरदीद कर दी। न धाड़ा शेर और ना ही चला तीर, आजाद उम्मीदवारों ने बदल दी तकरीर। जनूबी पंजाब में आजाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी। मुस्लिम लीग नून दूसरे और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर। मुख्तलिफ हलकों में बड़े बड़े सियासी बुर्ज उलट गए। जीतने वाले उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। जनूबी पंजाब भर में इलेक्शन नतायज आने का सिलसिला जारी। मुल्तान से कौमी असेंबली की 5 नशस्तों पर नतायज का ऐलान कर दिया गया। मुल्तान में गिलानी खानदान की जीत। NA 148 में पीपल्स पार्टी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने मैदान मार लिया। 67,326 वोट लेकर कामयाब। NA 151 में सैयद अली मूसा गिलानी 79,080 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार मेहरबान कुरैशी 71,649 वोट ले सकी। NA 152 से अब्दुल कादिर गिलानी 96,998 वोट लेकर कामयाब। NA 150 से आजाद उम्मीदवार जैन कुरैशी 1,26,770 वोट लेकर कामयाब ठहरे। जनूबी पंजाब में बड़ा अपसेट। जहांगीर तरीन हार गए। NA 155 लोथरा से जहांगीर तरीन चारों शारिकत। मुस्लिम लीग नून के सदीक बलोच ने मैदान मार लिया। सदीक बलोच को 1,17,671, जहांगीर तरीन को 71,128 वोट मिले। मुल्तान की सीट भी हाथ से निकल गई। NA 149 से आजाद उम्मीदवार आमिर डोगर 1,43,613 वोट हासिल करके कामयाब हो गए। जहांगीर तरीन को 50,166 वोट हासिल हुए। NA 153 से जलालपुर पीरवाला से नून लीग के राणा कासिम फातेह 95,114 वोट लेकर कामयाब रहे। आजाद उम्मीदवार आशिक बुखारी 49,007 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। आजाद उम्मीदवार कासिम गंगा 47,831 वोट लेकर तीसरे नंबर पर। नवाबों के शहर बहावलपुर में भी सियासी सूरत हाल तब्दील। NA 164 बहावलपुर से आजाद उम्मीदवार एजाज अहमद जीत गए। एजाज अहमद गुड्डर ने 88,370 वोट हासिल किए। मुस्लिम लीग नून के मियां रियाज भी ज्यादा 81,400 वोट ले सके। NA 165 से काफ लीग के उम्मीदवार तारिक बशीर चीमा आजाद उम्मीदवार सऊद मजीद को शिकस्त देकर कामयाब। NA 167 से मुस्लिम लीग नून के मियाँ उस्मान अवैसी जीत गए। आजाद उम्मीदवार मलिक इमरान और को शिकस्त मिली। NA 168 में मुस्लिम लीग नून के मलिक मोहम्मद इकबाल चंद्र कामयाब। आजाद उम्मीदवार समीउल्लाह चौधरी को शिकस्त। डीजी खान में NA 184 में मुस्लिम लीग नून के सरदार अब्दुल कादिर खोसा ने कामयाबी समेट ली। आजाद उम्मीदवार अली मोहम्मद खलोल को शिकस्त दे दी। NA 185 में आजाद उम्मीदवार सरताज गुल 94,881 वोट लेकर कामयाब करार पाई। NA 186 कोट चट्ठा से नून से लीगी उम्मीदवार सरदार अवैस अहमद खान लगारी आजाद उम्मीदवार सजाद चीना को हराकर कामयाब ठहरे। TP 289 कोट चट्ठा में आजाद उम्मीदवार महमूद कादर खान लगारी कामयाब। TP 290 से सरदार अवैस खान लगारी ने मैदान मार लिया। NA 183 शरीफ से आजाद उम्मीदवार ख्वाजा शराज महमूद 1,34,048 वोट लेकर कामयाब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अमजद फारूक खोसा 87,203 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। TP 284 शरीफ से आजाद उम्मीदवार हाफिज ताहिर के सवानी बाजी ले गए। मुजफ्फरगढ़ में 4 कौमी और 8 सूबाई हलकों के नतायज का ऐलान। NA 176 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान। NA 178 से लीगी उम्मीदवार आमिर तलाल कामयाब। NA 177 में मौजम अली जतोई फातेह जमशेद अहमद दस्ती 1,13,000
253 वोट लेकर कामयाब रहे। 4 सूबाई नशस्तों पे नून लीग कामयाब। आजाद उम्मीदवारों ने 3, 1 हल्के में पीपल्स पार्टी जीती। खानपुर में कौमी असेंबली के हल्का 170 में आजाद उम्मीदवार कामयाब। मियां गौस 1,13,684 वोट लेकर मैदान मार गए। मुस्लिम लीग के शेख फयाजुद्दीन 78,615 वोट ले सके। NA 173 से सादिक आबाद में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम मुस्तफा महमूद की फतह। 83,120 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार परिस्तर नबील डहर ने 80,304 वोट लिए। NA 174 में नून लीग के सरदार अजहर खान लगारी 78,680 वोट लेकर जीत गए। कौमी हल्का 154 कहरोड़ पक्का का गैर हस्मी और गैर सरकारी नतीजा। आजाद उम्मीदवार राणा फराज नून ने सरप्राइज दे दिया। 1,34,923 वोट लेकर कामयाब। मध्य मुकाबल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अब्दुल रहमान कांजू शिकस्त को चार। हल्का 157 लुडन का फाइनल रिजल्ट सामने आ गया। नून लीग के साजिद मेहदी 99,932 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार सबीन सफ्तर बंदेशा 79,996 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। NA 166 अहमदपुर शर्किया में नून लीग ने मैदान मार लिया। समी गिलानी 62,148 वोट लेकर जीत गए। आजाद उम्मीदवार बहावल अब्बासी दूसरे, पीपल्स पार्टी के अली गिलानी तीसरे नंबर पर रहे। बहावलपुर में NA 164 का हतमी नतीजा जारी। मुस्लिम लीग नून के रियाज हुसैन पी ज्यादा 1,23,360 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार मलिक एजाज अहमद गुड्डन 17,140 वोट लेकर कामयाब। NA 147 जहानिया से नून लीग कामयाब। चौधरी इफ्तिखार नजीर 1,07,708 वोट लेकर कामयाब करार पाए। हल्का पीपी 209 से मुस्लिम लीग नून के मैदान मार लिया। चौधरी जियाउद्दीन 55,579 वोट लेकर जीत गए। IPP के अलीम खान शिकस्त 2-4, 65,077 वोट ले सके। मुल्तान के सूबाई हलकों के गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज। आजाद उम्मीदवारों ने धूल चटा दी। PP 215, 214, 217 और PP 222 से आजाद उम्मीदवार कामयाब। PP 220, 219, 213 पीपल्स पार्टी कामयाब। PP 223 और 224 पर मुस्लिम लीग नून कामयाब हासिल की। अली हैदर की लाली इकबाल सिराज नदीम कुरैशी मोइन रियाज कामयाब समेटने वालों में शामिल। PP 221 बस्ती मलोज से भी पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। बहावलपुर के सूबाई हलकों के नतायज का ऐलान। बहावलपुर के सूबाई हलका PP 246 से आजाद उम्मीदवार फजाना खलील बाजवा की फतह। लीगी उम्मीदवार अफजल गुल को शिकस्त 2-4 कर दिया। PP 251 से मलिक खालिद और 43,551 वोट लेकर कामयाब हुए। PP 247 से खालिद 61,116 वोट लेकर अव्वल आए। PP 254 से दाना तारिक 55,467 वोट लेकर कामयाब। PP 249 से साहिबजादा गजीन अब्बासी 42,483 वोट लेकर कामयाब। हल्का PP 252 से शेब अवैसी 41,290 वोट लेकर जीते। PP 253 से मलिक जहीर इकबाल कामयाब करार पाए। नईम यार खान से तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों की जीत। NA 172 से जावेद इकबाल वड़ाइश ने मैदान मार लिया। PP 261 से जाम अमानुल्ला 42,424 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के मखदूम इर्तजा 23,637 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। PP 262 से आजाद उम्मीदवार चौधरी आसिफ मजीद 54,786 वोट लेकर जीत गए। PP 263 से आजाद उम्मीदवार मोहम्मद नईम 61,401 वोट लेकर कामयाब। दुनियापुर के सूबाई हल्के PP 225 में आजाद उम्मीदवार शाजिया हयात 69,799 वोट लेकर कामयाब। लीग के उम्मीदवार चौधरी जवार हुसैन वड़ैच 62,600
92 वोट लेकर कामयाब हो सकें। लोधरा में एपीपी 227 पर मुस्लिम लीग नून के जुबैर खान बलोच 55,324 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार नवाब अमानुल्लाह शिकस्त। सीपी 228 में आजाद उम्मीदवार इज्जत जावेद खान कामयाब। लीगी उम्मीदवार पीर सैयद रफीउद्दीन बुखारी को शिकस्त। पीवी 297 रुझान में आजाद उम्मीदवार सरदार खतर हुसैन मजारी 39,139 वोट लेकर जीत गए। मुस्लिम लीग नून सरदार मीर दोस्त मोहम्मद खान मजारी 30,503 लेकर हार गए। सादिकाबाद में सूबाई हलका 264 से पीपल्स पार्टी के हबीबुररहमान गोपांग कामयाब। हबीबुररहमान गोपांग 44,288 वोट लेकर पहले। आजाद उम्मीदवार अब्दुल मोमिन 31,920 वोट लेकर दूसरे। लीगी उम्मीदवार जुबैर तारिक तीसरे नंबर पर रहे। सरगोजा के सूबाई हलका पीपी 71 का मुकम्मल रिजल्ट जारी। मुस्लिम लीग नून के सुहेब अहमद मलिक 55,050 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार नईम हैदर 49,076 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मियांवाली से इंतखाबी दंगल के नतायज NA 79 से आजाद उम्मीदवार जमाल अहसन खान 2,17,427 वोट लेकर कामयाब। PP 85 से आजाद उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल खटक कामयाब। PP 87 से आजाद उम्मीदवार मलिक अहमद खान बिछड़ भी जीत गए। नून लीग के अमानतुल्ला खान इनाम अल्लाह कामयाब। शुजाबाद से PP 222 का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा। आजाद उम्मीदवार मियाँ अयाज अहमद बोदला ने 30,687 वोट लेकर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के जहूर अहमद 10,619 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 258 खानपुर से आजाद उम्मीदवार जीत गए। मोहम्मद एजाज शफी ने 65,932 वोट हासिल किए। नून लीग के अरशद जावेद और पीपल्स पार्टी के शहजाद अनवर को शिकस्त। NA 146 मियां चनू से आजाद उम्मीदवार पीर जहूर हुसैन कुरैशी की जीत। PP 211 खानेवाल से नून लीग के राना सलीम 53,501 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार इमरान परवेज 35,115 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। PP 208 NA 83 सरगोधा में आजाद उम्मीदवार उसामा मेला 1,36,566 वोट लेकर कामयाब। हल्का PP 71 से सरगोधा का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा। मुस्लिम लीग नून के सुहेब अहमद मलिक 55,050 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार नईम हैदर को शिकस्त। 49,076 वोट ले सके। PP 74 से नून लीग के अकरम उल हक 50,600 वोट लेकर कामयाब। PP 77 की जीत का सहरा आजाद उम्मीदवार अंतर हरल के सर सच गया। खुशाब के हलका NA 87 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक शाकिर बशीर अवान कामयाब। आजाद उम्मीदवार मलिक इमरान उमर असलम अवान को शिकस्त दे दी। खुशाब के सूबाई हलका PP 82 में मुस्लिम लीग नून के मलिक आसिफ भावान कामयाब। NA 89 रुझान में आजाद उम्मीदवार सरदार शमशेर मजारी ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून के सरदार रियाज मजारी हार गए। कोट अर्दू में भी आजाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी।
पीपी 278 से मियां अहसन अली कुरैशी कामयाब। मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद यार हंजला को शिकस्त का सामना। 91 बकरोन का नतीजा भी जारी। आजाद उम्मीदवार सनाउल्ला खान ने 1,06,003 वोट लेकर कामयाब। पीपी 93 का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा। आजाद उम्मीदवार आमिर इनायत 50,425 वोट लेकर कामयाब करार। आजाद उम्मीदवार जिया खान 45,580 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। पीपी 89 बकरोन से आजाद उम्मीदवार अमीर मोहम्मद खान जीत गए। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल मजीद 160 पेंशनाबाद में गैर कानूनी और गैर सरकारी हतमी नतीजा। नून लीग के उम्मीदवार अब्दुल गफार वट्टू जीत गए। पीपी 237 बहावलनगर से नून लीग के फिदा हुसैन वट्टू 68,681 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार मियां राशिद महमूद वट्टू दूसरे नंबर पर। तहरीक लब्बैक के सैयद अब्दुल रजाक शाह तीसरे नंबर पर। पीपी 238 से आजाद उम्मीदवार मियां इनाम बारी जीत गए। मुस्लिम लीग नून के सैयद नजर शाह को शिकस्त। लैया से भी नतायज जाना शुरू हो गए। पीपी 282 लैया से आजाद उम्मीदवार सामा असगर गुज्जर 53,887 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार हाशिम हुसैन 27,384 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। पीपी 283 से आजाद उम्मीदवार गुलाम असगर खान जीत गए। पीपी 279 से भी जीत आजाद उम्मीदवार असर मकबूल का मुकद्दर ठहरी। हल्का पीपी 293 राजनपुर का गैर हतमी नतीजा। लीग के सरदार शेर अली को 43,784 वोट लेकर कामयाब। मध्य मुकाबले गारे ग्रुप के उम्मीदवार मिर्जा शहजाद मायू मुगल 35,137 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। और एक तरफ गम तो दूसरी तरफ खुशियां। जनूबी पंजाब में इंतखाबात जीतने के वाले उम्मीदवारों के हां जश्न का समा। 169 यातापुर से मखदूम सैयद मुर्तजा महमूद MNA। पीपी 255 से गजनपुर अली गंगा। पीपी 256 से काजी अहमद सईद रुकन सूबाई असेंबली बन गए। जीत पर जियालों का पीपी 289 आजाद उम्मीदवार महमूद कादर खान लगारी की फतह। कारकुनों का जश्न और ढोल की थाप पर भंगड़े।